हिमाचल में सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है। इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परिवार सदमे में है। जब तक दिल्ली पुलिस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाती, तब तक सीबीआई जांच के लिए इंतजार करना चाहिए। उन्होंने यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की ओर से उठाए गए सांसद के मौत के मामले के जवाब में दी। साथ ही अग्निहोत्री ने विधानसभा में सांसद की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। इससे पहले सदन में स्वर्गीय सांसद रामस्वरूप शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया, वह उनके घर गए थे, उनके बेटों और परिजनों से बात की। पता चला रामस्वरूप शर्मा स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। यूरिन से ब्लड आने की शिकायत आ गई थी। वह अपना इलाज पालमपुर अस्पताल में करवा रहे थे। कुछ कमजोरी आ गई थी। वह अपने इलाज के बारे में सोच रहे थे। जोगिंद्रनगर उपमंडल के मच्छयाल के सौंदर्यकरण और अन्य कार्यों के लिए उन्होंने 50 लाख की सांसद निधि दी थी।